तो क्या जो अंधाधुंध फायदा शराब माफिया कमा रहा है उसके पीछे कहीं सियासी साठगांठ तो नहीं है? बस इसी आरोप की जांच सीबीआई कर रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका पर्चे आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल खान साहब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ ही देर में आपको दिखाई देंगे। अजय आलोक जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले हरीश खुराना जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बड़े सारे कागजात आप लेकर आए हुए हैं यहां पर, उसके बारे में मैं जानूंगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसी डर के नाते आप लोगों ने जांच एजेंसी को उनके लोगों के पीछे लगा दिया है। चित्रा जी याद करिए, आज से कुछ महीने पहले जब इनका एक मंत्री गिरफ्तार हुआ था, कुछ यही बातें, कुछ यही स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हम डर गए। आज ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो मंत्री 3.5 महीने से जेल में है। कुछ अब यही स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, ये गुजरात में डर गए हम, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप यकीन मानिए, ओपन एंड शट केस है। मैं 30-40 सेकंड के अंदर आपके दर्शकों को समझाऊंगा ये है क्या केस। ये रिपोर्ट है इनकी, मैं आपके दर्शकों को दिखाऊंगा ये रिपोर्ट। अब ये स्कूल वाला मामला लेकर भी आप सामने आ गए हैं, वो अलग उसमें आएंगे, उसमें आएंगे। लेकिन आज चूंकि हम शराब की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट है इनकी अपनी जो सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई थी कि आप बताइए कि शराब पॉलिसी जो हमने चेंज करने जाना उसमें रिकमेंडेशंस क्या है। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी चित्रा जी कि आईएमएफएल ट्रेड जो ये शराब का धंधा है वो एंटायर होलसेल ऑपरेशंस शुड बी अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। याद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट शुड बी अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। इन्होंने क्या किया, होलसेल का बिजनेस उठा के प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, That too without tender and without any public notice। पहला केस की वजह से नहीं डरे हुए, पहला केस सुन लीजिए, पहला केस। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि होल जो रिटेल का बिजनेस है उसमें यह कहा गया था कि आप रिटेल जो वेंडर्स हैं, शराब के ठेके हैं, वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, कंपनी को नहीं दीजिएगा, इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, और इनका जो लॉटरी सिस्टम के थ्रू आप इनका आवंटन करेंगे। इन्होंने क्या किया, अपने शराब माफिया दोस्तों को देने के लिए इसको 32 जोन में डिवाइड कर दिया और हर जोन में 27 दुकानें एक जोन में। घोटाला क्या है, घोटाला क्या है, आप लोग हर रोज अलग अलग आंकड़े लेकर सामने आते हैं। पहली सरकार हिंदुस्तान की, उन्होंने यही गिनाने की कोशिश की है चित्रा जी, ये पहली सरकार ऐसी है हिंदुस्तान की जो ये कह रही है कि मैंने घोटाला तो किया, घोटाला किया, लेकिन कितने का किया वो विपक्ष बताए। अरे विपक्ष नहीं बताएगा, आपने मान तो लिया घोटाला हुआ है, खुद कह रहे हैं। आपने ये नहीं कहा हमने घोटाला नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पूछ रही है वो गलत है और ये कागजात जो है वो गलत है। आप ये कह रहे हो कि हमने घोटाला किया, आप बताइए 1 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 5, जो भी फिगर बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम वो मान रहे हैं। किसी एक वक्ता ने ये नहीं कहा कि हमने घोटाला नहीं किया, वो यही कह रहे हैं। आप पहले बताइए घोटाला कितने का, आप पहले बताइए घोटाला कितने का, ठीक है, इसका मतलब मान रहे हो ना घोटाला है। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे कि क्या आम आदमी पार्टी मान रही है कि घोटाला है। इस वक्त अपने दर्शकों को जल्दी से हम बताते हैं, 8,911 करोड़ सरकार को फायदा हुआ है लाइसेंस फीस से। आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है। मनीष पांडे के हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन सरकार की ओर से जल्दी से इस पर आपकी एक टिप्पणी ले लेते हो हरीश जी। वो कह रहे हैं 8,911 करोड़ सरकार को फायदा हुआ है लाइसेंस फीस से। टोटल जो कलेक्शन है, मैं भी आरटीए आपको दिखा रहा हूं, टोटल कलेक्शन जो पिछले साल आई वो आई 5400 करोड़ में रेवेन्यू, 5400 करोड़ में, उसमें 900 करोड़ में सिक्योरिटी है, और इस साल जो फीस आई अब तक 31 जुलाई तक वो 1900 करोड़ में रेवेन्यू है। ये मेरी अपनी आरटीए है, और इसको अगर चैलेंज कर रहा हूं आम आदमी पार्टी को, मेरे चैलेंज को अगर कहते हैं झूठ बोल रहे हैं तो आप मेरे पर चैलेंज कर सकते हैं और मानहानि का दावा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि 5800 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया, उसमें से 900 करोड़ रुपया जो है वो इनका सिक्योरिटी है, और 1900 करोड़ रुपए 31 जुलाई तक का रेवेन्यू है। हरीश खुराना जी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी, उस पर जवाब चाहिए। बीजेपी का यह कहना है कि मामला यहां पर शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला तो यहां पर शराब से जुड़ा हुआ है, और अब तो स्कूल में भी घोटाले का एक नया मामला सामने आ गया। लेकिन इधर उधर की बात करके जो कोर इश्यू है उसको एड्रेस करने से आम आदमी पार्टी लगातार बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है बीजेपी को। चित्रा जी पहली बात तो ये कि आज 9 दिन हो चुके और तमाम तरह की रेड हो गई, तमाम तरह की जांच चल रही है। जो मेरे मित्र बता रहे हैं, ऐसा कोई घोटाला
शराब नीति को लेकर के दिल्ली सरकार में हुआ नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं बिल्कुल आपको। और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती, जांच पूरी नहीं होती, तब तक इसमें से कोई भी तथ्य विश्वास के काबिल नहीं है। सच्चाई सिर्फ यही है कि जो चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, पूरी तरह से भाजपा बौखलाई हुई है। और जो ये आप ऑपरेशन लोटस कहते हैं, वो लोटस तो कहीं पर नहीं है, लोटस तो पवित्र फूल होता है, ये तो ऑपरेशन कीचड़ कर रहे हैं। 277-277 एमएलए अब तक खरीद चुके हैं 5,400 करोड़ में, और अभी 800 करोड़ का बजट इन्होंने दिल्ली के लिए रखा हुआ है, मगर 8 साल में दिल्ली का एक भी एमएलए भाजपा खरीद नहीं पाई है। और जो ये बातें बता रहे हैं, 144 करोड़, 30 करोड़, 8,000 करोड़ वगैरह वगैरह, वो सब के सब जो आपके आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो सब चैनलों के ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि इनमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। अभी चाहे वो वेवर करने की बात हो, तो इन्होंने भी ऑक्ट्राय और जो टोल पर पैसा जमा जांच तो होगी ना, अगर आरोप लग रहे हैं गंभीर है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हरीश जी एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि एक सीरियल किलर है शहर में जो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है, जनता सरकार चुनती है और आप लोग सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। 277 एमएलए खरीद चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं और 800 करोड़ दिल्ली के एमएलए को खरीदने के लिए आप लोगों ने छिपाकर रखे हुए। पिछले 7 दिन से जो इनकी स्क्रिप्ट आ रही है, वो सारी की सारी फ्लॉप हो रही है। पहले दिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, क्या बोला न्यूयॉर्क टाइम्स, पहले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स आज भी दिखा रहे थे, पहले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स था, दूसरे दिन क्या था, सेकंड डे मोदी वर्सेस केजरीवाल, थर्ड डे क्या था, सिसोदिया जी महाराणा प्रताप के वंशज हैं और ये है वो जाति पे चले गए। तीसरे चौथे दिन क्या हुआ कि सीएम पद का ऑफर हुआ सिसोदिया जी को। पांचवें दिन क्या था, 5 करोड़ रुपए। छठे दिन क्या हुआ, 20 करोड़ रुपए। सातवें दिन क्या हुआ, हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक नाम नहीं बताया, एक नाम तो बताते हैं कि किसने ऑफर करा, क्या किया क्या नहीं किया। और आज विधानसभा का सत्र बुला के एक नया ड्रामा पेश कर दिया। सवाल तो ये है कि जो स्क्रिप्ट ये लिख रहे हैं वो फ्लॉप होती जा रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है उसका जवाब नहीं है। रवि जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रवि श्रीवास्तव जी, ये बात तो सच है ना, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की ओर से ऑफर दिया गया या ऑफर कहां से आया, कम से कम ये जानने का तो इस देश को हक है। मामला इतना गंभीर है और किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ 12 एमएलए को खरीदा जा रहा है, हमारे शिक्षा मंत्री को खरीदा जा रहा है, इनको खरीदा जा रहा है, सिर्फ आरोप लगा देने से क्या होगा, उसके पीछे कौन है भाजपा का चेहरा? भाजपा का इतिहास है एमएलए खरीदने का। ये 2014 में भी इन्होंने 5 करोड़ देकर के आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए खरीदने की कोशिश की। अभी ये 22 में कौन है, उसमें शेर सिंह डागर करके पकड़े गए थे और वो बात पूरे देश ने देखी थी। अभी आज भी जो है वो भी आ जाएंगे, थोड़ा सा एफआईआर क्यों नहीं करवाते अभी तक, देश के सामने नाम रखिए ना, सब आएंगे। अगर आप सच्चे हैं तो एफआईआर करिए रवि जी, अपने नेताओं को एफआईआर करिए, हमारे खिलाफ सबूत पेश करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? रिकॉर्डिंग देखिए, एमएलए खरीदने पे एफआईआर होती तो 9 राज्यों की सरकार आपने गिराई है तो उसपे हो गई होती। एमएलए खरीदने के आपको सबूत थोड़ी छोड़ते हैं, वो तो रेडिसन ब्लू में ले जाते हैं, असेंबली में खोके की नारे लगते हैं। रवि जी इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ ये रिपोर्ट आपकी है या नहीं है? कर्नाटक रवि मेरे भाई, आप बड़े भाई हैं, ये बताइए ये रिपोर्ट आपकी है या नहीं है, हाँ या ना, बस इतना बताइए, ये आपकी रिपोर्ट है, आप ही कमेटी की रिपोर्ट है या नहीं है, हाँ या ना, बस इतना घुमाइए मत बात को, एमएलए खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं, ये जो सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है कि रिपोर्ट आपकी है या नहीं है, नहीं है, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, उसको पढ़ लीजिए, अगर आप बताइए ये रिपोर्ट कहाँ से लेकर आए? ये रिपोर्ट जो है आप ही के द्वारा गठित की गई है, उसके कमिश्नर रवि धवन थे, उसके हेड जो थे रवि धवन थे, और मनीष सिसोदिया ने वो कमेटी बनाई थी, आप ही के अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो अब शिक्षा मंत्री भी हैं और शराब मंत्री भी हैं, हिंदुस्तान में पहली सरकार ऐसी है जहाँ का शिक्षा मंत्री भी वही है और शराब मंत्री भी वही है। ठीक है, अब मैं सीधे आलोक जी के पास आते हुए आपके खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगी, लौट रही हूं सर आपके पास एक बार। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये पूरा का पूरा मामला ऑपरेशन कीचड़ है, बीजेपी जो कह रही है ऑपरेशन लूट अस है, या फिर कुछ और है, क्या समझ में आ रहा है?
क्योंकि आरोपों के बीच ये पता नहीं चल पा रहा है कि बीजेपी की ओर से वो कौन सा नेता है जिसने पैसों का ऑफर करके ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ इस शराब घोटाले का सच क्या है, वो देश के सामने कैसे आएगा।